बच्चों हो गया, आ रही हूँ। ला दिखा। रीता माँ, ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, बस जरा चक्कर सा आ गया था। कितनी बार कहा है तुझे, अब लोगों के कपड़े सीना बंद कर दे, चाहे तबीयत कितनी खराब क्यों ना हो, तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? बेटा अगर घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, अकेले तेरे ट्यूशन पढ़ाने से तो घर नहीं चल सकता ना। दरअसल सारी गलती मेरी ही है, तूने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया लेकिन मैं तुम लोगों का सहारा नहीं बन पा रही हूँ। मैं तुझे सारा सुख देना चाहती हूँ, गीता को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, यहाँ रह के तो कुछ भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई कल करेंगे, माँ की तबीयत खराब है ना, जाओ। माँ अब थोड़ी देर आराम कर ले, जान है तो जहान है। पगले। भाभी, ओ भाभी कैसी हो तू? ठीक ही हूँ, तू कब आई शहर से? कल रात को आई हूँ और परसों चली भी जाऊंगी। इतनी जल्दी? अब क्या भाभी, इतना बड़ा कारोबार है और संभालने वाली मैं अकेली जान, अगर एक भी दिन ज्यादा रुकी तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। अरे कितना कमाएगी तू, अब तो गांव के अमीरों में भी तेरा नाम आने लगा है। अरे रीता बेटा पानी तो लाना। हाँ माँ। हुआ? नमस्ते, ये लीजिए पानी। इतनी बड़ी हो गई और इतनी सुंदर भी। ये क्या है बुआ? ये देख, मैं तुम लोगों के लिए शहर से कपड़े लेकर आई हूँ। ये देख, ये तेरे लिए, और ये भी देख, ये देख। भाभी रीता तो जवान हो गई है। ये देख ये भी, कोई लड़का वड़का ढूंढा कि नहीं? अरे तुमसे क्या छुपा है, इसके बाप के गुजरने के बाद जैसे तैसे करके गांव की औरतों के कपड़े सी लेती थी, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। तो फिर घर का खर्च कैसे चलता है? यही ट्यूशन करके जो 200-250 कमा लेती है उसी में गुजारा करते हैं। तू कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? बुआ गांव में रोजगार कहाँ। तो शहर चल, तू सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, शहर में तुझे जाते ही काम मिल जाएगा। पर शहर में तो हम किसी को जानते भी नहीं, एक तो लड़की जात, ऊपर से जवान और अकेली, ना बाबा ना, मेरा दिल तो नहीं मानता इसको शहर भेजने को। भाभी कर देना परायो जैसी बात, अब मेरे रहते हुए शहर में रीता कैसे अकेली रहेगी? मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी संबंधी नहीं हूँ, पर जब भी मैं गाँव आती हूँ आपसे मिले बिना जाती हूँ क्या? मेरी रीता को अगर कोई आंख उठाकर देखेगा ना तो उसकी आंखें नोच लूंगी। रीता को तो मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी, और फिर मेरा तो इतना बड़ा कारोबार है, रीता मेरे यहाँ काम कर लेगी। ये तो तुम्हारी भली मानसता है कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो, पर फिर भी शहर में अकेली लड़की, दिल तो घबराता है ना। मैं जितनी मदद कर सकती थी मैंने बता दिया, अब मैं चलती हूँ। अरे वो इतनी जल्दी, माँ की बात का बुरा मान गए? अरे पगली मैं कैसे बुरा मानूंगी, वो भी भाभी की बातों का। जवान लड़की का शहर में जाकर नौकरी करना, डर तो लगेगा ही ना, अगर भाभी की जगह मैं होती तो मैं भी डरती। दरअसल माँ का मेरे और छोटे के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए डरती है। लेकिन घर चलाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। मगर बेटा, माँ मेरे पास तो बुआ का सहारा है, वरना ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका शहर में कोई नहीं है, फिर भी वो वहाँ जाके काम करती है। अगर घर के हालात अच्छे होते तो मैं छोटी और आपको छोड़ के जाने का सोच भी सकती थी क्या? मेरे जाने के बाद छोटी है ना आपकी देखभाल करने के लिए। अरे वो अपनी छुटकी शैतान कहाँ गई? सो रही है, सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फैसला जो भी हो मुझे बता देना।
बुआ मैंने फैसला कर लिया, मैं आपके साथ चलूंगी। पर अपनी माँ से तो पूछ लो। जब इसने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, बाकी भगवान की मर्जी, फिर तुम हो ना। अरे नहीं नहीं, अरे रख लो ना, अरे रख लो ना, तुम तो वैसे ही मेरी बहुत मदद करती रहती हो। अरे रख लो ना, रीता जब कमाएगी तो वापस कर देना। अच्छा मैं चलती हूँ बुआ। ठीक है। क्या बात है, क्या माल है। ये ले भैया, आ जा। मैडम आ गई है। अरे मैडम आ गई। मैडम आइए आइए आइए। अरे क्या हाल चाल है कल्लन मियां, ये मुंह क्यों लटकाए हुए बैठे हो? अब क्या करें मैडम, पार्टियां फ्रेश माल खोजती हैं और वो तुम्हारे यहाँ है नहीं। अब फ्रेश माल आ गए है तो पार्टियां भी आ जाएगी। बाकी लड़कियां कहाँ हैं? जी वो अपने कमरों में हैं। अच्छा ठीक है, इसे भी ले जा शबनम के कमरे में और शबनम को बोलना इसे पैसे वाले कपड़े पहना देना। मेरे पास कपड़े हैं बुआ। देख मुझे बुआ मत बोल, आंटी बोल। और वैसे भी तेरे ये कपड़े यहाँ नहीं चलने वाले, इससे तेरी सुंदरता दिखाई नहीं देती। अब जा मुंह हाथ धो ले, आराम कर। जा इसे ले जा, ले जा। मैडम ये जंगली कबूतरी कहाँ से फंसा कर लाई? ऐसे आइटम तो बहुत ही धमाकेदार है, अब इसे धंधे पर कब से लगा रही हो? लोग मेरे वैसे ही तारीफ नहीं करते। मुझे भी मालूम है कि कोयले की खदान से कैसे हीरा निकाला जाता है। और जहाँ तक धंधे की बात हुई तो दो चार दिन तैयार करने में तो लग ही जाएंगे। और तुझे भी मोटी आसामी ढूंढने में समय तो लगेगा ही ना। वो किस लिए? अरे नथ निकालने की रस्म नहीं करनी है क्या? इसके लिए तो कई कई कदरदान मिल जाएंगे। ए शबनम, ए शबनम उठना यार, देख कौन आया है। ओ शबनम, अरे उठना, सोने देना, क्यों परेशान कर रही है? देख कोई आया है। किसी और के पास भेज दे। नहीं ना, आंटी ने तेरे पास ही भेजा है, उठना। साली अभी अभी तो खाली हुई हूँ, फिर मेरे पास ही, तू ले जा। कौन है रही? आंटी ने भेजा है, यहीं पर रहेगी तेरे कमरे में। क्या नाम है तेरा? रीता। धंधा करने आई है? मैं समझी नहीं। धंधा नहीं समझती? क्या बोल के लाई है आंटी तुझे यहाँ पर? उन्होंने मुझे अपना कारोबार संभालने के लिए नौकरी पे रखा है। ये तो अब तू समझ
संभालेगी आंटी का कारोबार? सचमुच बहुत बड़ा है रे आंटी का कारोबार, बहुत लड़कियां काम करती हैं आंटी के लिए। तुझे पता है आंटी का कारोबार है क्या? कितनी भोली है रे तू। जब मुझे यहाँ लाया गया था मैं भी तेरी तरह बहुत सीधी थी, लोगों की चालबाजियों से बिल्कुल अनजान। तू फंस गई मेरी बहन एक ऐसी दलदल में जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ समझी नहीं। तू जा, जा ना, इधर आ, बैठ इधर। यही कि आंटी का कारोबार ऐसा नहीं जो दुनिया की नजर में अच्छा समझा जाए। आंटी एक चकला चलाती है। चकला समझती है तू? कोठा, जहां हम जैसी औरतें अपना शरीर बेचकर पैसा कमाने के लिए मजबूर है। हमारी जगह तो इस जमीन पर है। सेठ लोग आते हैं तो इस बिस्तर का हिस्सा बन जाते हैं। कोई वजूद नहीं है हमारा, गद्दे की तरह मसले जाते मसले जाते। कहाँ जा रही है? अपने घर वापस, अपने गांव। यहां से कोई रास्ता घर को वापस नहीं जाता, और तेरी बेहतरी इसी में है कि तू ऐसी कोई भी कोशिश ना करे जिससे आगे तुझे तकलीफ उठानी पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रुकूंगी। घर आज से तेरा यही घर है, उल्टे पाओ अपने कमरे में लौट जा। ये नर्क तुम्हारा घर हो सकता है, मेरा नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी है? यही कि तुम्हारा कोई कारोबार नहीं, तुम औरतों की जिस्म का सौदा कर पैसा कमाती हो। ये भी तो एक कारोबार है, दुनिया का सबसे पुराना मुनाफेदार कारोबार, चमड़ी बेचकर दमड़ी कमाना। शर्म नहीं आती बुआ ऐसी बातें करते हुए? वो तुम ही थी ना जिसने कहा था कोई मेरी तरफ बुरी नजर से भी देखेगा तो तुम उसकी आंखें नोच लोगी, अपनी छाती से लगा के रखोगी मुझे। वो तो अब भी कह रही हूँ, अगर तेरी तरफ कोई मुफ्त में आंखें उठाकर देखे तो आंख नोच लूंगी, अगर सीधी कीमत लगाएगा तो सर आंखों पर, चाहे जो कर ले। और रहा छाती से लगा कर रखने की बात, तो उसे इनकार नहीं करती, पर हाँ जो मैं कहती हूँ वो करती जा, फिर देखना कि तुझे कैसे छाती से लगा कर रखती हूँ। जाने मन मेरा दिल निकाला। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? मारा, 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 मारा,
मेरा मतलब है कि अगर अगर इसे कुछ होता है तो नुकसान तो हमारा ही है ना। जा, इसे कमरे में जाकर बंद कर दे और तब तक इसे भूखा प्यासा रखना जब तक ये मेरे पास आकर नहीं कहती कि मैं धंधा करने के लिए तैयार हूँ। जा, इसे ले जाओ। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा इनके अंदर डरना कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। जा, इसे ले जाओ, ले जाओ। अरे देख क्या रहा, ले जाओ। पिछले दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए खाना तो नहीं ला सकता। पर ये बिस्कुट लाया, खा लेना। मैडम, नरक से मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं ना केवल अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन का सहारा बन सकूं, बल्कि यहाँ पिसती हुई औरतों का भी सहारा बन पाऊं। तभी तो मेरी शिक्षा का कुछ महत्व होगा, तभी तो जिंदगी के इम्तिहान में मैं खड़ी उतर पाऊंगी। प्रभु मेरी विनती सुनो। मैडम ने भेजा है, तेरा पहला ग्राहक आने वाला है ना। ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? ये सही कह रही है, अगर तू तैयार नहीं हुई तो ये लोग तेरी जान भी ले सकते हैं। चल तैयार हो जा, पहन इसे, मैं तुझे तैयार करती हूँ। जेल में कैदियों की नहीं चलती। हटो, 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 तुम लोग।
सर को नई कबूतरी दिखलाओ। आई साहब आइए, आइए आपको दिखाते। आई साहब आइए मेरे साथ आइए। रीता कमरे में ले जा, हो सकता है थोड़ा सा परेशान करेगी। वैसे हमने उसके सारे बल निकाल दिए हैं। नत उतरवाई की रस्म जो है, और रही सही कसर आप निकाल देना, बड़ा मजा आएगा। अब जा, देख क्या रहा है, ले जा इन्हें। जी जी मैडम जी, आइए आइए साहब, अंदर आ जाइए, आइए आइए ना साहब। मैडम आखिरी बल भी निकल गया। अरे मैडम अब नई कबूतरी कब फांस कर ला रही है। जी मुझे कोशिश नामक संस्था के बारे में पहले से मालूम था। फिर मैं सरजी के पास आया, फिर उनसे रीता को छुड़ाने के लिए मदद मांगी। फिर हम लोग पुलिस की मदद से रीता, शबनम, कमला सबको वहां से छुड़ाया। साहब उसे थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। थप्पड़? हाँ साहब,
रीता के उस एक थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझमें इंसानियत जगाई साहब। मैं रशीद की बहुत आभारी हूँ। कोठे से लड़कियों को छुड़ाने के बाद जो लड़कियाँ घर वापस जाना चाहती थीं, हमने उन्हें घर वापस भिजवा दिया। पर जब संस्था ने रीता से पूछा तो इसने कहा कि अभी और बहुत सी लड़कियाँ इस धंधे में हैं जिन्हें छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रीता हमारी संस्था के साथ मिलकर काम करना चाहती है और इस बात की हमें बहुत खुशी है। अरे मुबारक हो।